हेलो जी नमस्ते हाँ जी नमस्ते जी। जी कहिए। सर ये मेरे को घुटनों की प्रॉब्लम है यार, शुगर भी हो रही है। अशोक घुटनों की प्रॉब्लम भी है और शुगर भी है। क्या नाम भैया? अशोक जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 50 है जी, 4 साल। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ अभी जी तो आप मेरी उम्र के आसपास ही पहुंचे हैं, इसलिए आप को हम बता देते हैं कि कैसे आपको ठीक रखना। एक तो हाँ आप जी कल ही पीड़ांतक ट्यूब आती है अपने, एक वैसे पीड़ांतक तेल भी है, लेकिन हाँ जी हाँ जी पीड़ांतक ट्यूब का मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ। जैसे किसी दिन मैंने 50 सूर्य नमस्कार कर लिए और पूरा शरीर बदन दर्द कर रहा है, तो मैंने पीड़ांतक हाँ जी ट्यूब को लगाया और लगा करके रात को मैं सो गया, सुबह तक दर्द जी गायब। ये तो सामान्य जो पेन होता है उसके लिए बताया। घुटनों में कितना ये ही मेरे को भयंकर जी दर्द 3 साल हो, से घुटनों की प्रॉब्लम चल रही है हाँ सर। इसीलिए बता रहा हूं आपको, हाँ घुटनों के लिए जी आप ये पीड़ांतक जी ट्यूब ऐसे लगा करके और हल्के हल्के हाथ से ऐसे थोड़ी मसाज कर लेना, फिर कोई भी हाँ कॉटन जी कॉटन के जो ट्रैक सूट आदि होते हैं उनको पहन करके सो जाना। आप हाँ कल ही जी पीड़ांतक ट्यूब लगाना, कल ही पीड़ांतक आपको ट्यूब। रिजल्ट मिलेगा। कल ही करीब 20-25% दर्द आपका कल ही दूर हो जाएगा पीड़ांतक ट्यूब लगाने से। ये तो तात्कालिक उपचार है। पीड़ांतक ट्यूब लगाई, उसको मसाज किया, मालिश हाँ उसको बोलते हैं, अभ्यंग बोलते हैं आयुर्वेद में इसको, तो पीड़ांतक ट्यूब से तो ठीक है मालिश ठीक। करना। दूसरी बात, हाँ जी ठीक खट्टी चीज कोई मत खाना, दही छाछ कोई भी, नींबू, कोई ठीक खट्टी चीज मत लेना, और खीरा भी मत है। खाना, खीरे से भी दर्द बढ़ता है। लौकी की सब्जी अच्छा खा ठीक सकते हैं, लौकी का सूप पी सकते हैं, लौकी का जूस है ठीक पियेंगे। लौकी का जूस मैंने कहा बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये ठंडा होता है, तो जी लौकी का जूस भी आप मत पीना। खैर, जो है ठीक आपको मैंने बताया खट्टी चीज ठीक मत लेना, फिर लेना क्या? जोड़ों के दर्द के लिए, डायबिटीज के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है गिलोय। या तो गिलोय का काढ़ा पी ले, या गिलोय घन वटी अपने दिव्य फार्म अपने पतंजलि की मिलती है, तो दो दो गोली वो ले लेना, और मधुनाशिनी दो दो गोली ले लेना, नहीं खाली पेट ले लेना। मानी मधुनाशिनी और गिलोय घन घटी चबा करके ऊपर से, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेना, तो आपकी डायबिटीज और डायबिटीज के बाकी भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के कारण से, जो भी उसके दुष्प्रभाव उसको कहा जाता है हिंदी में, वो भी दूर हो हाँ जी हाँ जाएंगे। जी और आपका जोड़ों का ठीक दर्द, इसमें मधुनाशिनी भी लाभ करेगी, गिलोय घनवट्टी भी लाभ करेगी, साथ में आप शिलाजीत और हल्दी ये दूध में ले लेना, दो बूंद शिलाजीत। शिलाजीत की लिक्विड भी आती है, शिलाजीत की गोली भी आती है, शिलाजीत के कैप्सूल भी आते हैं, जो आपको पसंद हो वो दो दो है गोली ले लेना, या दो दो कैप्सूल ले लेना, या दो बूंद दूध में डाल करके हल्दी साथ में दूध में आप लेना। आपको कुछ जी ही दिनों हाँ जी में ये घुटनों का दर्द अच्छा हो जाएगा, आपकी उम्र बहुत कम, और कपालभाति जरूर करना। कपाल भाती कपालभाति है करने से एकदम दर्द में फायदा जी होता है। बस बाकी आप प्रसन्न बिल्कुल रहिए, आपको बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है।